पहले घर का काम करो, फिर तो उसके बाद फिर ऑफिस जाते हो, जैसे सरपंच हो, ऑफिस का काम मैं खुद करती हूँ। पंचायत में खड़े होने का मन इसलिए बनाया क्योंकि गांव का मैं सुधार करना चाहती थी कि गांव में गलियां अच्छी हो, गांव वालों की कुछ सुनवाई हो, जो पेंशन के लिए भटकते हैं या किसी को रिश्वत दे के काम करवाते हैं, कि मैं खुद करवाऊँ उनका काम, तो मैं उनकी सेवा करना चाहती थी। इस गांव में इतना बदलाव आया है कि यहाँ पे जब बेटियाँ होती हैं उसके लिए मिठाई बटने लगी है कि बेटी हुई है जलेबी बांटो, आज हमारे यहाँ पे लक्ष्मी आई है, इतना बदलाव आ गया है। लड़का लड़की को अगर देखें तो बराबर लड़कियां ज़्यादा मिलेंगी, लड़के तो कोई है जैसे सातवीं आठवीं से उठ गए भी नहीं, मैंने तो साइकिल का काम सीखना, मोटरसाइकिल का काम सीखना, लड़के कुछ और करने ले जाते हैं, लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आठवीं तक का स्कूल है, उसके बाद लड़कियों को पास के गाँव में भेजते हैं गाँव वाले। पहले ज़्यादा अनपढ़ महिलाएँ हुआ करती थी, अब सब पढ़ी लिखी आती हैं, तो कुछ तो उनको पहले ही ऑब्जेक्शन होता है घूंघट से, कुछ मेरे जैसे मिल जाए आगे तो वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। पहले जो लेडीज़ होती थी वो अपने फादर इन लॉ से, अपने जेठ से बातें नहीं करती थी, वो सिर्फ घूंघट कर लिया और हाथ से इशारे से बात करती थी कि हाँ कोई है घर में कि नहीं है, इशारा। तो अब वो सीधा हाँ जी पापा जी ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, तो घूंघट में बहुत कम, भाई बहुत कम हो गया अब तो। जी बदलाव आ रहा है अंकित जी के आने से, और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना भी चाहते हैं हम भी, हमारी इच्छा आगे पढ़ के आगे बढ़ने की। पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम अपना वो पहन सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं जी। घूंघट तो हम अब करते ही नहीं है जी, सभी चीज़ों में स्वतंत्रता है जी, किसी चीज़ की रुकावट नहीं है, किसी चीज़ की रोक नहीं है। नहीं जी, किसी भी चीज़ की रोक नहीं है। अब ये बदलाव इसलिए आ रहा है कि जो महिलाएं उनको लगने लगा है कि भाई हम इस समाज का हिस्सा हैं, हमारे बिना ये समाज अधूरा है, और हम भी अपना मुंह ढक लेंगी बहुत ज़्यादा पिछड़ा रह जाएगा इस समाज को, वो इस बात को मानती हैं। यहाँ पे मेरे पास खुद आती है, अपनी समस्याएं बताती है कि जी हमको ये बात बताओ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मम्मी नहीं मान रही है मुझे एडमिशन दिलवाने के लिए, उनको कैसे मनाना चाहिए। तो उनको मैं जाके जैसे बताती हूँ कि अपनी लड़कियों का एडमिशन करवाओ जी, आप देखो ये पढ़ेगी और पढ़ के आपका नाम इतना ऊँचा करेगी कि ये कल्पना चावला और जो है इंदिरा गांधी थी बिल्कुल, तो उनकी तरह आपकी लड़की भी चमकेगी, और अब तो आपके नाम से इनको जानते हैं, कल को इनके नाम से आपको जाना जाएगा। उनके दिमाग में बहुत मुश्किल तो होता है थोड़ा डालना, लेकिन वो समझ जाते हैं। 16 की 16 लेडीज़ ने एक जागरूकता अभियान चलाया, दीवारों पर स्लोगन लिखवाए, और स्कूल के बच्चों को साथ में लेके हमने पूरे गांव में रैलियां निकाली कि दहेज प्रथा पाप है, लिंग अनुपात घट गया है, इस तरह की हमने बहुत सारी रैलियां मीटिंग्स की। मैं ये सोचती हूँ कि उनको कुछ ना कुछ रोज़गार के लिए कोई अवसर मिले, जिसके लिए अगर हमें गवर्नमेंट पैसे देती है, हम कोई ऐसा काम शुरू करवाएं गाँव में जिससे बच्चे कम से कम अपने आप पे पैरों पर खड़े हो सकें।